जय हिंद साथियों। साथियों आप लोग को बता दें, एसएससी सीएचएसएल की नई वैकेंसी निकल करके आ चुकी है। देखिए साथियों, कुछ दिन पहले शॉर्ट नोटिस निकाला गया था, बट अभी आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल करके आ चुका है एसएससी के द्वारा। देखिए आप लोग को बता दें साथियों, एसएससी सीएचएसएल की जो नई वैकेंसी है, इसमें आप लोग को 3712 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए हैं, उनको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल पर हम आप लोगों को जितने भी ऑफिशियल अपडेट्स आते हैं, सभी अपडेट्स के पीडीएफ जो है अपलोड करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है टेलीग्राम चैनल का, आप लोग जा करके वहां से पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं ऑफिशियल, तो ऑफिशियल पीडीएफ भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को बतला दे साथियों, हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स बतलाते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, ऑनलाइन जॉब हो या फिर ऑफलाइन जॉब हो, सभी जॉब के हम आप लोगों को अपडेट्स बतलाते हैं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों, क्योंकि हमारा चैनल आप लोगों के लिए फ्यूचर में हेल्पफुल रहेगा, ये हम आप लोग को वादा करते हैं साथियों। देखिए आप लोगों को बता दें, एसएससी सीएचएसएल की जो नई वैकेंसी है 2024 की, इसका हम आप लोगों को फुल इंफॉर्मेशन अभी देने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहां पर आप लोगों को सैलरी तक बतलाएंगे, एज क्या लगेगा, पेमेंट क्या लगेंगे, फी क्या लगेंगे, सारी इंफॉर्मेशन, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फुल इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा। देखिए सबसे पहले कितने पोस्ट पर वैकेंसी है, तो 3712 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है। कुल तीन विभाग में आप लोग की ये वैकेंसी देखने को मिल रही है, पहला एलडीसी और फिर जेएसए, एलडीसी और फिर जेएसए के लिए, दूसरा पीए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट के लिए, और फिर आप लोग का है सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तीसरा डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ये आप लोग का तीन विभाग हो गया वैकेंसी का। टोटल सीट कितना है, 3712। अच्छा एक बात और बतला दे आप लोग को, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, इसमें साफ साफ आप लोग को डिक्लेयर किया गया है कि जो सीट है वो सीट की संख्या बढ़ाई जा सकती है आगे, ठीक है। सीट की संख्या जो है बढ़ाई जा सकती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। तो यहां पर आप लोगों को सीट की संख्या 4000 भी देखने को मिल सकता है, 5000 भी देखने को मिल सकता है, मगर 3712 से नीचे नहीं देखने को मिलेगा, इतना कंफर्म है साथियों। चलिए अब आगे देख लीजिए आप लोग, इसका अप्लाई डेट क्या है। तो मित्र अप्लाई डेट आप लोग का चालू है, 8 अप्रैल से आप लोग का अप्लाई डेट है, यानी कि अप्लाई डेट आप लोग का चालू है। अब फॉर्म अप्लाई अभी से हो रहा है साथियों, 7 मई तक आप लोग का ये फॉर्म अप्लाई होगा मित्र, ठीक है। अभी इसका अगर बात करें तो देखिए, जब अगर आप लोग अप्लाई करते हैं कुछ गलत हो जाता है तो उसके लिए करेक्शन डेट भी आयोग के द्वारा निकाला जाएगा 10 से 11 मई को, 2 दिन आप लोग का करेक्शन डेट भी होगा। फी की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये यहां पर देने पड़ेंगे, एंड एससी एसटी एंड फीमेल के लिए, और उसके साथ साथ एक सर्विसमैन के लिए भी, यहां पर एक सर्विसमैन हमसे छूट गया है, यहां पर आप लोग जो है एक से सर्विसमैन भी लगा दीजिएगा, एससी एसटी फीमेल एंड एक सर्विस मैन के लिए यहां पर 0 रुपए लगेंगे, यानी कि कोई भी पेमेंट नहीं देना होगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आगे बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट की अगर बात करें साथियों, तो जून जुलाई 2024 में आप लोगों का एग्जाम होगा, ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है साथियों। एज क्राइटेरिया की अगर बात कर ले तो देखिए, एज आप लोग का जनरल के लिए 18 से 27 लगेगा, यहीं पर बात करें अगर ओबीसी की तो पूरे ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का छूट, एंड एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट यहां पर दिया जा रहा है, यानी कि ओबीसी के लिए 18 से 30 साल यहां पर हो जाएगा और एससी एसटी के लिए 18 से लेकर 32 साल यहां पर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो आप लोग का 12 पास होना चाहिए साथियों। अच्छा 12 पास ही जरूरी नहीं है, अगर आप लोग अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं, अगर आप लोग 12 का भी एग्जाम दे रहे हैं और आप लोग को मालूम है कि 1 अगस्त से पहले आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, फिर भी आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं साथियों, क्योंकि अपियरिंग कैंडिडेट्स भी यहां पर भर सकते हैं, बस शर्त यही है कि 1 अगस्त तक आप लोग का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे बतला दें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग का रिटर्न एग्जाम है साथियों। चलिए देखिए, रिटर्न एग्जाम आप लोग का 2 टायर में होगा, पहला टायर का सिलेबस यहाँ है, दूसरा टायर का सिलेबस यहाँ है। अब थोड़ा यहाँ पर साथियों सिलेबस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोग का जो है मेन रोल अगर कोई यहाँ पर रहता है तो सिलेबस का ही रहता है, क्योंकि देखिए सिलेबस जब तक नहीं जानिएगा तो एग्जाम कैसे दीजिएगा, ठीक है। तो सिलेबस पर थोड़ा फोकस करिएगा। देखिए सबसे पहले 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, यानी कि 200 नंबर आप लोग का टोटल हो गए। टाइम कितना, 60 मिनट, यानी कि 1 आवर का आप लोग का टाइम यहां पर दिया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट से देखिए, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन हो गए, यहां पर जीके जीएस से 25 हो गए, मैथ से 25 क्वेश्चन,
रीजनिंग से 25 क्वेश्चन हो गए आप लोग का 25 25 25 25 100 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए 100 क्वेश्चन 200 नंबर यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे 60 मिनट का टाइम आप लोग को यहाँ पर दिया जाएगा ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं टायर टू जब ये इसको आप लोग जब क्वालिफाई कर दिएगा टायर वन को तो उसके बाद आता है आप लोग का टायर टू एग्जाम में। टायर टू को अब हमने साथियों दो यहाँ पर जो है डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में। देखिए पहला है सेशन वन दूसरा है सेशन टू। सेशन टू मैंने क्यों लिखा है थोड़ा ध्यान से समझिएगा तब आप लोग समझ पाइएगा थोड़ा सा यहाँ अच्छे से समझिएगा साथियों ठीक है। देखिए टायर टू जो है इसमें सेशन वन का जो सिलेबस है इसमें आप लोग को एक नंबर सॉरी यहाँ पर जो है एक नंबर पर जो है एक क्वेश्चन कट जाएगा। देखिए अगर आप लोग एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो एक नंबर आप लोग का कट जाएगा इसको ध्यान रखिएगा। जब आप लोग टायर टू में जो पहला आप लोग का जो है ये जैसे एग्जाम दीजिएगा अच्छा आप लोग को नीचे हम अच्छे से समझा भी देंगे वहां पर लिखे हैं नहीं समझाने में बनना यहाँ पर आप लोग को अच्छे से समझेंगे ठीक है। चलिए देख लीजिए टायर टू में जो सेक्शन वन है उसका सिलेबस क्या है आप लोग का सिलेबस जाने से पहले टाइम देख लीजिए टाइम क्या मिलेगा तो 2 घंटे 15 मिनट का आप लोग को टाइम यहाँ पर दिया जाएगा ठीक है। 2 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 2 घंटे 15 मिनट के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए सेक्शन वन यानी कि सबसे पहला जो एग्जाम होगा उसमें आप लोग का मैथ और रीजनिंग का होगा 30-30 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे जाएंगे मैथ से 30 क्वेश्चन और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन हो गए कितने आपके 60 क्वेश्चन ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर के होंगे हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का अगर उसको मल्टीप्लाई करेगा 60 में 3 से तो 180 नंबर आप लोग का यहाँ पर निकल करके आ जाता है ठीक है। अगर आप लोग का एक क्वेश्चन गलत होता है ठीक है यानी कि जैसे 60 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन गलत होता है तो आप लोग का जो है एक नंबर माइनस हो जाएगा ठीक है। एक नंबर एक क्वेश्चन पर माइनस होगा इसको ध्यान रखिएगा ठीक है। इसके लिए इन दोनों सब्जेक्ट के लिए क्या कितना टाइम मिलेगा 1 घंटे का टाइम मिलेगा समझ गए। अब दूसरा आइए सेक्शन टू को समझ लीजिए इंग्लिश और जीके जीएस इसमें पूछा जाएगा इंग्लिश से 40 क्वेश्चन जीके जीएस से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है। इन दोनों को जोड़िएगा तो आता है कितना भाई 60 क्वेश्चन आता है। इसमें भी आप लोग का हर एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है यानी कि 60 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 180 नंबर आप लोग का टोटल आ जाता है। इसमें भी वही शर्त है एक क्वेश्चन पर एक नंबर आप लोग के काट लिए जाएंगे अगर एक क्वेश्चन जो है आप लोग अगर गलत करते हैं तो एक नंबर आप लोग का जो है यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा साथियों ठीक है। इसके लिए भी 1 घंटे का टाइम मिलेगा हो गए आपके 2 आवर बोतलाए तो 1-1 2 आवर यहाँ पर खत्म। अब बचता है आप लोग का 15 मिनट तो 15 मिनट किसके लिए चाहिए तो सेक्शन 3 को देख लीजिए कंप्यूटर आप लोग का चाहिए कंप्यूटर में बेसिक पूछता है ज्यादा कुछ नहीं कंप्यूटर में आप लोग का जो है बेसिक क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आप लोग को 15 क्वेश्चन रहेंगे हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा इसमें भी आप लोग का 45 मार्क्स हो जाएंगे 15 मिनट का टाइम 2 घंटे 15 मिनट आप लोग के खत्म हो गए यहाँ पर समझ गए 1 घंटे 2 घंटे 15 मिनट आप लोग के यहाँ पर खत्म। अब आगे समझिए देखिए ये जब एग्जाम होगा ना साथी जब मैथ और रीजनिंग का एग्जाम दीजिएगा जैसे ये क्लियर करता है उसके बाद तुरंत आप लोग के पास क्वेश्चन आएगा इंग्लिश और जीके जीएस का फिर जैसे इसको आप लोग खत्म करेंगे फिर आ जाएगा आप लोग के पास कंप्यूटर का क्वेश्चन ठीक है। तो इसको हमने अलग से डिवाइड कर दिया। अब दूसरा आता है टायर टू में सेक्शन टू का सिलेबस तो देखिए मित्र सेक्शन टू में आप लोग को जैसा आप लोग को यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर तो भैया जाहिर सी बात है टाइपिंग मांगेगा। अच्छा एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क भैया क्लर्क का पोस्ट है तो टाइपिंग मांगेगा ठीक है। ठीक इसी तरह से आप लोग का यहाँ पर जो है यहाँ पर टायर टू में सेक्शन टू में जो है आप लोग का सिलेबस क्या है तो सिर्फ आप लोग का सिलेबस में स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग होगा साथियों। टाइम क्या मिलेगा तो 15 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश में अगर आप लोग टाइपिंग मारते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट सही होना चाहिए। अगर हिंदी में वहीं आप लोग टाइपिंग मारते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आप लोग का यहाँ पर सही होना चाहिए साथियों ठीक है। अब अगर यहाँ पर बात कर ले सैलरी की तो देखिए अच्छा अब आप लोग को यहाँ पर मन में कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करिएगा आप लोग को रिप्लाई हम जरूर देंगे साथियों ठीक है। कमेंट करिएगा आप लोग को हम रिप्लाई देंगे जो भी डाउट है आप लोग के डाउट को हम क्लियर जरूर करेंगे। अच्छा सैलरी की अगर बात कर ले तो सैलरी आप लोग को साथियों 30K+ 30,000+ देखने को मिलेगा साथियों ठीक है। अच्छा और एक बात आप लोग से बतला दे अगर आप लोग रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप किए होंगे मित्र तो आप लोग को बतला दे कि जो भी विज्ञान सब्जेक्ट से विज्ञान का अगर स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए साइंस से आप लोग का जो है यहाँ पर 40 क्वेश्चन जो है पूछ रहा है साइंस से 40 क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे टेक्नीशियन में और हम आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चन के लिए
कुछ इस प्रकार से पीडीएफ तैयार किए हुए हैं कि आप लोगों का बहुत ही मतलब कि 30 से 35 क्वेश्चन तो उसमें से लड़ेंगे ही लड़ेंगे, इतना आप लोग से हम श्योर बोलेंगे साथियों। ठीक है, देखिए यहाँ पर 40 क्वेश्चन आप लोग के साइंस से पूछे जा रहे हैं। इन 40 क्वेश्चन के लिए हम आप लोगों को 4000 क्वेश्चन जो है कुछ सिलेक्टेड 4000 जो क्वेश्चन है कुछ सिलेक्टेड पीडीएफ बनाए हुए हैं, जिसका मूल्य आप लोगों को मात्र साथियों 1 एनुअली ₹40 जो है पे करने होंगे। ठीक है, सिर्फ ₹40 आप लोगों को पे करने होंगे 4000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए। और ये सिलेक्टेड कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे कि प्रीवियस ईयर में उस टाइप के पैटर्न पर क्वेश्चन आए हुए हैं, और उसी पैटर्न को उठा करके आप लोग को आगे जो है हम क्वेश्चन सिलेक्टेड कर करके निकाले हुए हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन पाना चाहते हैं पीडीएफ, उनको जो है टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन होइए, टेलीग्राम पर मैसेज करिए, आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा। सिर्फ आप लोग को ₹40 पे करने होंगे साथियों। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो साथियों आप लोग को बता दें ₹1 में आप लोगों को 100 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब इससे आप लोग को जो है सस्ता क्या ही बतलाएं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट को एसएससी से कुछ डाउट है, रेलवे से कुछ डाउट है, या फिर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिए, आप लोग को रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। साथियों अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग पर्सनली टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, आप लोग को रिप्लाई जरूर दिया जाएगा साथियों। चलिए साथियों, अगर हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा। साथियों आप लोग को शेयर करने से हमें भी सपोर्ट मिलता है मित्र, तो हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।